व्यापारी परेशान है क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज की गलत इम्प्लीमेंटेशन हुई है। 2006 से बहुत सारी चीज़ें गैर कानूनी हुई और कोर्ट के अंदर मामला अटका रहा। जिस समय केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और म्यूनिसिपल काउंसिलर इस इलाके के सारे कांग्रेसी थे। आपको हैरानी होगी कि मेरे सामने कोई 100 नक्शे आए हैं डिफेंस कॉलोनी मार्केट के और उन 100 नक्शों के अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें पारित हैं। मतलब चार तरीके के लेआउट प्लान जिसके अंदर बेसमेंट पारित है, एक जगह हॉल लिखा हुआ है, एक जगह कमर्शियल यूज़ लिखा हुआ है, एक जगह हाउस होल्ड गोडाउन लिखा हुआ है, एक जगह शॉप लिखा हुआ है। तो अगर बेसमेंट या तो स्टोरेज के लिए एमपीडी के अंदर अलाउड है या नहीं अलाउड है, लेकिन चार नक्शे कैसे निकले मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत सारी ऐसी सड़कें जो कि नोटिफाई नहीं हो सकती थी उनको नोटिफाई किया गया, लेकिन जो कि बाउंड्री वॉल्स के अंदर है जिसकी वजह से रेजिडेंट्स जो हैं वो परेशान है। सबसे हैरानी की बात आपको ये होगी कि यहाँ पर जो कन्वर्जन चार्ज है कमर्शियल मार्केट्स के अंदर, वो कन्वर्जन चार्ज 89,000 ग्रेड ए की मार्केट्स, ग्रेड ए की कॉलोनीज के लिए है, लेकिन उसमें बहुत सारे ग्रेड्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, तमाम तरीके के ग्रेड्स हैं। तो हर एक ग्रेड की कॉलोनी के लिए अलग किस्म का कन्वर्जन चार्ज होना चाहिए था। तो जब सीलिंग शुरू हुई तो दो ही मार्केट्स थी, डिफेंस कॉलोनी थी, जीके थी, दोनों ए ग्रेड हैं। तो हमने 22,000 की मांग की और वो 22,000 केंद्र सरकार ने तुरंत कर दिया, लेकिन वो कन्फ्यूजन रहा। और उन कांग्रेस के ज़माने में इसका जो चार्ज है वो 89,000 था, 89,000 था। और बहुत सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज, आपको हैरानी होगी कि जैसे ये मार्केट है, मार्केट की ऑपोजिट तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है। मालवीय नगर के अंदर जो दुकानें हैं, एलएनडीओ की मार्केट है, पुरानी मार्केट है, कमर्शियल इलाका है, लेकिन सामने घर है जो प्राइवेट घरों को कमर्शलाइज किया गया 2006 के आसपास और उनका जो कन्वर्जन चार्ज है वो मात्र 6,000 रुपये है। तो जो दुकानदार दुकान चला रहा है वो 22 का देगा, जो जो घर है वो केवल 6,000, और जो घर कन्वर्ट हो जाते हैं कमर्शियल के अंदर वो घर तकलीफ देते हैं वहाँ के रेजिडेंट्स को भी, क्योंकि आप प्रेशर डाल रहे हैं सिविक एजेंसीज़ के ऊपर, सिविक अथॉरिटीज़ के ऊपर। और इन सारे तमाम जो पॉलिसी गैप्स हैं उस समय की कांग्रेस की सरकार की दरी फितरत के मुताबिक ये काम हुआ और आम आदमी पार्टी ने उसको आगे ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया। जो सर्वे करके देना है केंद्र सरकार के हाथ में, वो जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की थी जिसने आज तक वो काम नहीं किया और अभी फिर से उन्होंने 2 साल का समय और मांगना शुरू कर दिया है। इस बीच में, इस गैप में जो मैटर पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मैटर शुरू कर दिया और जो भी मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार काम कर रही है वो काम कर रही है और एमसीडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उस आदेश को मानने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। लेकिन सारी शरारतें, सारी शैतानी तब हुई है जब अर्बन डिवेलपमेंट मंत्री तक इस कांग्रेस सरकार का था और नई दिल्ली से था। और निगम की कोई गलती नहीं है, निगम की गलती, अगर लोकल काउंसिलर इन्वॉल्व है तो उसकी, तो मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर आप विजिलेंस बिठाएं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन सबसे बड़ी आपको सोचने की जरूरत है कि आज जो स्थिति है उसमें एमसीडी की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो केवल मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश का पालन कर रहे हैं।